नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, शहर के गौशाला रोड पर वाक़ा कांग्रेस के ज़िला दफ्तर में यूथ कांग्रेस का एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें आने वाले यूथ इलेक्शन के ज़िमन में तबादला ख्याल किया गया, जिसमें कई एक यूथ कायदीन अरुण धोतरबंडी और दीगर भी मौजूद थे। इस इजलास से खिताब करते हुए यूथ लीडर शेख फारूक ने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके दे और नौजवानों को चाहिए कि पार्टी के सीनियर लीडरों से, सीनियर अफराद से राय मशवरा करके पार्टी को आगे बढ़ाए और पार्टी को हर वादे तक लेकर जाए, डोर टू डोर पार्टी की कैनवेसिंग करे और पार्टी ने जो कुछ अवाम के लिए किया है वो हर दरवाजे तक उस बात को पहुंचाए। साथ ही साथ कौमी सतह पर जो इश्यूज़ हैं और हमारे लोकल सतह पर जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि रायचूर शहर में एम्स कॉलेज आने वाला था जिसको गुलबर्गा शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे इश्यूज़ को यूथ लीडर्स उठाएं और आवाम को इससे जोड़ने की कोशिश करें। इस तरह से पार्टी जो है एक इशू के बेसिस पर पार्टी कहलाएगी और पार्टी में मजबूती आएगी। उनके हॉस्पिटल से उनको ये एम्स आया तो उनको लाभ होने वाला है। ये बात आईआईटी के बदले